हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ नीलोफर नाइल एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 17 फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो गाइस, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को समझेंगे हम, ये होता क्या है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके भी दो टाइप है, या फिर आप ये कह लीजिए मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह लीजिए या एब्रेशन कह लीजिए, बात एक ही, एब्रेशन का मतलब डिसऑर्डर ही होता है। ओके, तो ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में, जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है, इसके टाइप्स, और दो डिसीज़ और डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। फर्स्ट वन इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है, ये एक बहुत ही नाम आपने सुना होगा हीमोफीलिया डिसीज़ का। सेकेंड डिसीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं फिनालकेटोन्यूरिया। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। ये देखिए, आपको पिक्चर में ये डीएनए का स्ट्रैंड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने पूछा डीएनए को क्या होता है, ये आपने बोला ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में आपको कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा होगा, बिगड़ता हुआ, कुछ इंसर्ट होता हुआ। एक्चुअली होता क्या है, जब इस डीएनए स्ट्रैंड में कोई भी चेंज आ जाए, चेंज कैसा आ जाए, जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल चेंज हो, समझ रहे हो आप, चेंज आ गया वो जाए कैसा चेंज हो, एबनॉर्मल हो, या तो कोई और पीस आके इसमें जुड़ गया, ठीक है, या फिर इसका हिस्सा कहीं टूट कर जा रहा है। ठीक है, ऐसा चेंज जो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ना हो, और वो हो जाए परमानेंट, मतलब सिंस बर्थ से प्रेजेंट हो, और जिसे डॉक्टर भी नहीं कर सकते ठीक, नॉन क्यूरेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। समझ में आ गया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हम किसी को भी, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जब भी हमारे जेनेटिक मटेरियल में कोई एबनॉर्मल चेंज आ जाए जो परमानेंट हो, ठीक है, नॉन क्यूरेबल हो, उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर के भी दो टाइप है, दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ठीक है, दो ग्रुप कर दिए गए हैं, एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्यों नाम रखा है इसका मेंडेलियन डिसऑर्डर, जब इनका इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि मेंडल ने समझाया था ना, ट्रेट पास होते हैं पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में, इसी तरह से जब ये डिसऑर्डर हो जाता है ना पेरेंट्स को, तो ये भी ट्रांसमिट होता है उनके आने वाली जनरेशन में। जो उनका ट्रांसमिशन होता है, इनहेरिटेंस होता है इन डिसऑर्डर का, वो एक्चुअली मेंडल्स के लॉ को फॉलो करता है। मेंडल्स के लॉ याद है ना आपको, तीन लॉस पढ़ चुके थे हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो डिजीज़ हैं सारी जितनी भी आपको दिख रही है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनालकेटोन्यूरिया, ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो करती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। डीएनए के पॉइंट में म्यूटेशन, मतलब कोई पॉइंट में म्यूटेशन आ जाइए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है, क्रोमोसोम का जो नॉर्मल नंबर है एक ह्यूमन के अंदर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म 46 है। ठीक है, जब इस नंबर में आ जाए चेंज, या तो वो गलती से 45 हो गया, एक कम हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया, या फिर वो 46 से 47 हो जाए, ट्राइसोमी हो गई, कुछ वो हो गई, ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा ट्राइसोमी क्या होता है। ओके, ट्रिपलेट फॉर्म में जब प्रेजेंट हो, या तो ऑटोसोम का क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, या सेक्स क्रोमोसोम कोई सा बढ़ जाए, मतलब नॉर्मल जो नंबर था वो 46 था, यानी 44 प्लस एक्स एक्स, अगर वो फीमेल है, अगर मेल है तो एक्स वन, ठीक है, 45-46 वाला, अगर ये घट गया या बढ़ गया, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, क्रोमोसोम के नंबर में आ गया चेंज, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल एब्रेशन इन्वॉल्व अल्ट्रेशन इन दी क्रोमोसोम नंबर। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती है, अब आपसे कोई पूछ लेगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की कोई एग्जाम्पल बताओ डिसीज़ का, तो आपको क्या जवाब देना है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें हो जाती है 21st क्रोमोसोम अपने ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसे 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी याद कर लो, जिसे क्या बोलते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, एंड थर्ड भी याद कर लो, टर्नर सिंड्रोम। घबराइए मत, इन तीनों डिसीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, एंड थर्ड वन इज़ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मेंडल के जो लॉस को फॉलो करती है डिसीज़, जिसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि हीमोफीलिया और फिनालकेटोन्यूरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया हम समझ चुके, हीमोफीलिया जो है इसको ज़रा टर्म से ही समझने की कोशिश कीजिए। हीमो जो वर्ड है वो किसे डिपिक्ट कर रहा है, ब्लड को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, हीमो वर्ड आ गया, मतलब ब्लड की बात हो रही है, इतना समझ लीजिए। एंड फीलिया जो है इसका मतलब है कमी,
मतलब ब्लड की कमी। ठीक है, साइंस में ना आप हमेशा किसी भी वर्ड, जो भी वर्ड दिया ना, उसका रूट वर्ड समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा साइंस समझना। हर एक टर्म का एक मीनिंग होता है, वो समझा करिए। अब हीमोफीलिया से देखो, मैंने ब्रेक करा ना, हीमो से निकला ब्लड, और फीलिया मीन्स कमी, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया हीमोफीलिया के बारे में। ये जो है, इसलिए ब्लड की कमी हो जाती है। इसमें होता क्या है, अगर गलती से बच्चे को चोट लग गई, ठीक है, बच्चे को या बड़े को, जिसे भी ये डिसीज़ है हीमोफीलिया, तो उनके जो है ना क्लोटिंग फैक्टर नहीं आता, उनका जो कट लग गया ना, वहाँ से खून बहता रहेगा बहता रहेगा, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड का लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए, ये हीमोफीलिया वाला पर्सन था ना, यहाँ पर ये धागे आपको कम नज़र आ रहे होंगे सिलाई के, और नॉर्मल वाले में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है, जैसे आपको भी चोट लगती होगी, थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप स्टॉप हो जाता है ना, क्लोटिंग हो जाती है। तो हीमोफीलिक जो पर्सन होते हैं, उनमें ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता ब्लड का, उनका जो खून है वो बेहतर रहता है, तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपना, कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ कट लग जाए, अदरवाइज उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो कट सारी से सील नहीं होता, अगर वो सील नहीं होएगा तो ब्लड लॉस होता रहेगा। ठीक है, ये जो डिसीज़, इसलिए इसे ब्लीडिंग फेस भी बोलते हैं, ये जो डिसीज़ है इसे रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रॉयल डिसीज़, ये क्वीन विक्टोरिया है ना इंग्लैंड में, उन्हें थी, ठीक है, उनकी सारी जो जनरेशन थी उनमें देखने को मिली, उनसे सब में फैल गई, उनके बेटे को हो गई, ठीक है, वो सीढ़ियों से गिरे 30 की एज में, और उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ब्लड बह रहा था बहुत ज़्यादा, क्लोट ही नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली वो मर गए। ठीक है, और वो पास होती रही, वो कैरियर थी एक्चुअली। ठीक है, कैरियर क्या होता है ये भी हम समझते हैं। हीमोफिलिक में होता क्या है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, जरा सा माइनर कट भी लग जाए, ठीक है, तो जो ब्लड है वो बॉडी से स्टॉप नहीं होता, अगर ज़्यादा कह रहा लग गया तो उतना ज़्यादा ही बहेगा। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आप पॉज करके भी ये नोट्स बना सकते हैं। ओके, हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक डिसीज़ है। सेक्स लिंक मतलब कौन से क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहाँ पे एक्स लिंक वाले क्रोमोसोम की बात हो रही है। ठीक है, एक्स लिंक डिसीज़ है ये, मतलब एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पर, जो कोई जीन है उसकी वजह से ये होती है। ठीक है, हीमोफीलिया जो है रिसेसिव एक्स लिंक जीन की वजह से होती है, जिसे यहाँ पर किससे डिपिक्ट किया गया है, एच से। ठीक है, एक बार जरा इसका इनहेरिटेंस समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको समझ में आ गया हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया में मतलब क्या है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, कट लग जाने से उनके पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इस डिसीज़ में होता क्या है, उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपना, तो कहीं कट ना लग जाए, अदरवाइज उनकी डेथ हो सकती है इंजरी से। ओके, सो आइए एक बार ज़रा इसका इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए फीमेल है, ठीक है, फीमेल के पास ये एक्स एक्स आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, ये नॉर्मल फीमेल है, मतलब इसे हीमोफीलिया वाली डिसीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको एक एक्स तो नॉर्मल दिख रहा है, और दूसरे एक्स में आपको हीमोफीलिया वाला जीन दिख रहा है ना, ये फीमेल तो नॉर्मल रहेगी, मतलब नॉर्मल लाइफ सस्टेन करेगी, बट ये कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है, ये डिसीज़ ये वाली ट्रांसमिट कर सकती है अपनी आने वाली जनरेशन में। ठीक है, थर्ड वाली फीमेल को देखते हैं, यहाँ पर जो देखिए, दोनों एक्स के पास एच एच है। अब ये जो फीमेल है ये नहीं बच सकती, क्योंकि ये हीमोफिलिक हो गई है, होमोजाइगस फॉर्म चाहिए ना, ये रेसेसिव है। रेसेसिव तो जब ये एक्सप्रेस करता है जब होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ये हीमोफिलिक फीमेल हो गई, इसको ये डिसीज़ तो है और ये ट्रांसमिट तो करेगी करेगी, इसकी भी श्योरिटी है। फोर्थ वाला केस देखिए, ये मेल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब फिफ्थ वाले केस में देखिए, जो मेल के पास एक तो हीमोफिलिक है और दूसरा वाई है, ठीक है, ये नहीं बच सकता अपनी हेटरोजाइगस फॉर्म में, क्योंकि इसके पास एक्स है ही नहीं, दूसरा वाला नॉर्मल वाई है, तो ये हीमोफिलिक भी फॉर्म प्रेजेंट है, एक ही एक्स होता है उसके पास, तो वो हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। ये जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन आ गई आपको समझ में। अब इसका ट्रांसमिशन को समझते हैं। ये देखिए, नॉर्मल फीमेल है, मैरिज हुई हीमोफिलिक मेल से, ठीक है, हीमोफिलिक मेल है, तो आप समझ गए एक एक्स होगा इसके पास, एक एक्स है हीमोफिलिक है, तो मतलब वो दूसरा ऑल्टरनेट एक्स तो होता नहीं, इसी वाले एक्स पे वो जीन प्रेजेंट है एच। ठीक है, अब गैमिट्स बने नॉर्मल वाली फीमेल का, तो एक ही टाइप का बनेगा एक्स, जो मेल है हीमोफिलिक उसका क्या बना, एक तो एक्स एच बना और एक वाई। ठीक है, क्रॉस कराया, ठीक है, फीमेल जो है यहाँ पर आई, वो कैसी आई है, कैरियर आई है, क्योंकि उसके फादर ये वाला एक्स देंगे ही देंगे डॉटर को। ठीक है, और जो मेल है वो यहाँ पर क्या आ गया, एकदम नॉर्मल मेल बच गया, क्योंकि जो मेल को तो फादर वाई देता है, और एक्स जो है उसे अपनी मदर से नॉर्मल वाला मिल गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैरियर थी फीमेल,
अब उसकी नॉर्मल मेल से शादी हुई, क्योंकि पता नहीं डिसीज इसे भी नहीं थी, लेकिन ये कैरियर थी, ठीक है। गैमिट्स बने, अब जो गैमिट्स बनेंगे इस फीमेल के कैसे बनेंगे, एक तो नॉर्मल वाला एक्स बनेगा, दूसरा वाला एक्स एक्स के साथ आ गया है ना, मेल के अंदर भी नॉर्मल गैमिट्स बने, एक एक्स और एक दूसरा वाई, क्रॉस कराया एक्स का एक्स से नॉर्मल फीमेल आई, फिर एक्स का वाई से नॉर्मल मेल आया, फिर इस वाले एक्स एच का एक्स से फीमेल कैसी हो गई, कैरियर हो गई यहाँ पे, और ये वाला जो एक्स था ये वाई के साथ अगर फ्यूज़ कर गया तो ये हो गया हीमोफीलिया मेल, इस वाले मेल को हो गई डिसीज़, ठीक है, हीमोफीलिक मेल हो गया ये। एक पैटर्न नोटिस कीजिए आप यहाँ पे, हीमोफीलिक मेल था, ठीक है, यहाँ पर जो उसके चाइल्ड थे नॉर्मली थे, मतलब फीमेल कैरियर थी, जो जीन था मतलब इसका कहाँ ट्रांसमिट हुआ, फीमेल के पास, है ना। ऑल्दो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि इसके पास नॉर्मल वाला एक्स भी था, होमोजाइगस फॉर्म चाहिए ना, मतलब दो फॉर्म में चाहिए, डबल फॉर्म में चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। फिर ये जो कैरियर फीमेल थी इसने किसे ट्रांसमिट करा, अपने बेटे को। तो आपने कुछ नोटिस करा कि जो बेटी के फादर से जो डिसीज़ है बेटी के बेटे को जा रही है, समझ रहे हैं, नाना से नवासे को जा रही है, ये समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम फादर से ये जो लेडी है अपने बेटे को ये डिसीज़ ट्रांसमिट कर रही है। तो ऐसा जब इनहेरिटेंस होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, जब नाना से मिल जाए नवासे को डिसीज़, ठीक है। होता क्या है, जो मेल्स होते हैं ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास होता है सिर्फ एक ही एक्स, ऑल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट होती ही नहीं, ठीक है, वाई होता है उनके पास, जब कोई कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, वो मेल को अफेक्ट करेगी ही करेगी डिसीज़, ठीक है। तो एक्स लिंक डिसीज़ जो होती है वो मेल्स को होने की ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। फादर जो है एक्स लिंक डिसीज़ जो होते हैं वो अपने सन को तो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बट अपनी डॉटर के थ्रू अपने कहते हैं नवासे को उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया डिटेल में, ठीक है, समरी है। नेक्स्ट डिसीज़ समझते हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है एक इनबॉर्न डिसऑर्डर है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये कौन से जीन की वजह से होता है, डोमिनेंट या रेसेसिव, जैसे हीमोफीलिया रेसेसिव था, ये भी रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव है तो उसे अपने एक्सप्रेशन के लिए होमोजाइगस फॉर्म चाहिए, है ना, और ये ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक पे था, एक्स लिंक पे ये ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इसमें होता क्या है, जो एंजाइम चाहिए ना वो नहीं बना पाते, सिंथेसाइज नहीं कर पाते एंजाइम, क्या नाम है उस एंजाइम का, ये पूछ लेते हैं आपसे नीट के पे एग्जाम में भी आता है कि कौन सा एंजाइम के लेक से फिनाइलकेटोन्यूरिया डिसीज़ हो जाती है, तो आपको किस पे टिक लगाना है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम। ये एंजाइम जो है बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, जो ट्रांसफॉर्म करता है फिनाइल एनिलाइन अमाइनो एसिड को टायरोसिन अमाइनो एसिड में, ठीक है। ये इस डिसीज़ में होता क्या है, ये वाला एंजाइम जो है सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। अब ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है इसकी एब्सेंस में हमारा जो अमाइनो एसिड है फिनाइल एनिलाइन वो कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम है ही नहीं, और एंजाइम ज़रूरी है रिएक्शन के लिए, कैटेलिस्ट की तरह प्रयोग करते हैं, अब वो बॉडी में हो जाएगा एक्यूमुलेट, ठीक है, या तो किसी अनदर कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, फिनाइल एनिलाइन पाइरूवेट में या उसकी कोई डेरिवेटिव, जिसकी वजह से उनके दिमाग में जिसे ये डिसीज़ है फिनाइल की ना मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, उनकी स्किन का कलर बिल्कुल पेल हो जाता है, पेल स्किन हो जाती है, हेलो, और वो दौड़े पड़ते हैं एपिलेप्टिक सीज़र। तो US में जब बेबी पैदा होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग पहले कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये डिसीज़ बहुत जल्दी देखने को मिलती है ना, ताकि उनका डाइट चेंज कर दिया जाए, जो नॉर्मल वाले होते हैं अगर वो प्रोटीन अगर इनसे खा रहे हैं तो ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में, लेकिन जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है वो चेंज नहीं कर पाते, वो इसको कोई और से अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम नहीं है और उनसे इनमें हेल्थ इशू हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। सो डैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट यू गेट मोर वीडियो। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।